Hello student, so again myself Narendra Kumar. तो ये 2014 पेपर 2 से स्टार्ट करना है इस वीडियो में. लास्ट वीडियो के अंदर 2014 पेपर 1 तक हमने कर लिया था. तो ये मेनली 12th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, जेई एडवांस 2007 टू 2018 तक का डिस्कशन हो रहा है. तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा. प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद वाइट फॉस्फरस इज, ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद वाइट फॉस्फरस. तो ये जो वाइट फॉस्फरस की रिएक्शंस हैं SOCl2 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है. SO2Cl2 के साथ भी इंपॉर्टेंट है, और SOCl2 के साथ जो है इंपॉर्टेंट है. फॉस्फरस की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. तो यहाँ पे ये सिंपल सा PCl3 फॉर्म हो जाता है और SO2 प्रोड्यूस होता है और S2Cl2 प्रोड्यूस होता है यहाँ पे. तो आप सोच करके मतलब ट्रेस कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा. बट एग्ज़ाम में देखिए टाइम लगता है इन सब चीज़ों को सोचने के लिए, कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है. बट ये एक फैक्ट टाइप के इन्फॉर्मेशन है कि वाइट फॉस्फरस SOCl2 के साथ भी रिएक्ट करता है और SO2Cl2 के साथ भी रिएक्ट करता है. SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो PCl3 मेन फॉस्फरस कंटेनिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और SO2Cl2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो PCl5 जो है मेन फॉस्फरस कंटेनिंग प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे जो हमें आंसर चूज करना है, तो प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, PCl3 SO2 एंड S2Cl2. तो ऑप्शन को अगर देखेंगे तो PCl3 हमारा प्रोडक्ट है, SO2Cl2 नहीं है, SCl2 भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, और POCl3 भी फॉर्म नहीं होगा इस के लिए यहाँ पे. तो आंसर इसका ए आना चाहिए और वो ए करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एम्बिएंट कंडीशंस द टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज्ड एज प्रोडक्ट इन द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो. एक रिएक्शन स्कीम दे रखा है और फाइनल स्टेप में टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज्ड हमें फाइंड आउट करना है. तो ये स्कीम चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे. तो स्कीम के अंदर ज़ीनॉन का एक फ्लोराइड है और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है. तो ज़ीनॉन का जो फ्लोराइड है XeF6, तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हमें करना है तो ये कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होगा, तो XeO3 बन जाएगा और HF जो है अदर प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा. नाउ ये जो XeO3 फॉर्म हो रहा है, दैट इज ट्रीटेड विथ एल्कली इन एक्वस फेज. तो सिंपल सा ये जो ज़ीनॉन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस OH ग्रुप का एक टाइप से एडिशन हो जाएगा. ठीक है, जिसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है आप ऐसे ही उसी टाइप से सोच सकते हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा. तो ये HXeO4- एक स्पीसीज बन जाएगी. नाउ ये तो कह रहा है कि क्वेश्चन पी है और OH- के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक प्रोडक्ट क्यू बन गया. नाउ दिस क्यू स्लो डिस्प्रोपोर्शनेट इन एल्कलाइन मीडियम. तो ये जो हमारे पास में HXeO4- है, एल्कली की प्रेजेंस में स्लोली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है. तो यहाँ पे ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़ीनॉन है हमारा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाह रहा है. तो इसका मतलब एक स्टेप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा. तो +6 के अलावा जो अदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीनॉन के केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो +8 है. +7 में तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ीनॉन के लिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड +8 है. तो यहाँ पे एक तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में. +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़ीनॉन को अगर हम देखेंगे तो ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा XeO4. बट एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये जो हाईली पाई बॉन्डेड एक सब्सटेंस है, आप पढ़ते हो कि कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो एसिडिक होता है. तो ये XeO4 जो होगा ये भी एसिडिक होगा और एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो XeO6- टाइप का बनेगा और साथ में ज़ीनॉन जो है वो प्रोड्यूस होगा. पर अब इस सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में एक टाइप से हम कह सकते हैं कि XeO3 एल्कलाइन मीडियम के अंदर ट्रैप्ड है और वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है. तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट जब होगा तो मैं इसको ऐसे विजुलाइज कर रहा हूँ कि XeO3 एल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंट है और ये ब्रेक हो रहा है Xe और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर. ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो फिर XeO3 के साथ कंबाइन करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप
आगे ऑक्सीडाइज करता रहेगा, ये XeO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो है अदर गैसेस प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा। वेल नॉन रिएक्शन है, अपना मॉड्यूल देखेंगे तो उसके अंदर ये गिवन है। इस रिएक्शन के अंदर ये एक्वस फेज में एक ऑक्सी एनाइन की तरह एग्जिस्ट करेगा। ज़िनॉन एक गैस सब्सटेंस है, गैसेस सब्सटेंस, और ऑक्सीजन जो है वो एक गैसेस सब्सटेंस है। तो यहाँ पे ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज्ड, सो दो टाइप की गैसेस यहाँ पे रिलीज्ड हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज एज प्रोडक्ट इन द फाइनल स्टेप ऑफ रिएक्शन स्कीम शोन बिलो इज, दो गैसेस प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा सी आ गया। अगेन ज़िनॉन की जो केमिस्ट्री है इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज, 2s2p मिक्सिंग को कंसिडर नहीं करना है। और तो इसका मतलब है जो हमारा एक जनरल मोस्ट कॉमन एनर्जी ऑर्डर होता है वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, उसी को ही हमें कंसिडर करना है। तो ये जो मोस्ट कॉमन एनर्जी ऑर्डर है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का, वो हम कंसिडर कर लेते हैं। मतलब ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड जो एनर्जी ऑर्डर होता है उसको हमें कंसिडर करना है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, अभी हम एनर्जी ऑर्डर लिख लेते हैं, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है कि एनर्जी जो 2s2p मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव है, तो इसका मतलब सिग्मा 2pz जो होगा वो लोअर एनर्जी का होगा, पाई 2px एंड पाई 2py जो है वो हायर एनर्जी का होगा। ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड एनर्जी ऑर्डर जो है वो हमें कंसिडर करना है, बिकॉज 2s एंड 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। और ये जो डिफरेंस आएगा वो इसके बाद में ही आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 से कम है तो उसी में ये डिफरेंस हमें जो है नजर आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिलअप करते हैं तो आप देख सकते हो, एक तो BE2 है, BE2 में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिलअप हो जाएंगे। तो BE2 जो है एक तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, और ये जो होगा हमारा डायमैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉट स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर इसका जीरो हो जाएगा इस के लिए ना। फिर B2 को अगर हम देखेंगे तो B2 के अंदर टोटल जो है हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिलअप हो जाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड सिग्मा 2pz2। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पेयर्ड नजर आ रहे हैं, सो इट इज डायमैग्नेटिक। ना फिर हमारे पास में C2 है, तो C2 जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिलअप करोगे तो ये इसी ऑर्डर में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, और सिग्मा 2pz के बाद में ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें और फिलअप करने, तो ये 2px1, 2pπ1 और 2px1, π2px1 एंड π2py1। तो यहाँ पे ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। और N2 को अगर हम देखेंगे तो N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप अगर हम करेंगे तो ये 12 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फिलअप हो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें और ऐड करना है, तो ये π2px2 एंड π2py2 उसके अंदर आ जाएगा, और ये हमारा होगा डायमैग्नेटिक। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे कि जो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम 2s2p मिक्सिंग कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डायमैग्नेटिक आएगा वो अब पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो पैरामैग्नेटिक होता है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, स्विफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग दी फॉलोइंग इज, तो C2 जो है पैरामैग्नेटिक नज़र आ रहा है, BE2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, B2 जो है डायमैग्नेटिक हो गया, और C2 जो है पैरामैग्नेटिक हो गया, और N2 जो है डायमैग्नेटिक ही रहेगा वेदर वी कंसीडर 2s2p मिक्सिंग और नॉट। तो इसका आंसर जो है वो C होना चाहिए, ये C इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पैराग्राफ का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये स्टडी कर लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन को आंसर करते हैं।
So an aqueous solution of metal ion M1 reacts separately with reagents Q and R. So ये हमारे पास में कोई भी एक M1 है, ठीक है, metal ion solution. तो ये metal ion solution जो हमारे पास में है M1, इसको हमने एक reagent R के साथ treat कर दिया. कोई reagent R है और ये reagent R जो है वो excess में है और ये एक square planar complex बना रहा है. लेकिन अगर इसको हम किसी Q reagent के साथ अगर treat कर देते हैं, Q जो है वो भी excess में है, तो ये एक tetrahedral complex form हो जाता है. Tetrahedral complex produce हो जाता है. So an aqueous solution of metal ion M1 reacts separately with reagents Q and R in excess to give tetrahedral and square planar complexes respectively. An aqueous solution of another metal ion M2 always forms tetrahedral complexes with these reagents. तो ये एक और है हमारे पास में M2 metal ion solution. Reagent R के साथ अगर हम react कराएंगे excess में, तो always form tetrahedral complexes with these reagents. तो ये indicate कर रहा है कि यहाँ पे जो electronic configuration है metal ion M1 और M2 का, वो different type का है. ये जो reagents हैं वो basically कुछ different type के ligands होंगे और different type के ligands के basis पे हम ये कह सकते हैं कि ये strong field ligand and weak field type के ligands हो सकते हैं. तो ये अभी ये हमारा analysis हमें करना है. Aqueous solution of M2 ion on reaction with reagent S gives white precipitate which dissolves in excess of S. तो ये हमारे पास में M2 का जो है इसको अगर हम S के साथ react कराते हैं कोई reagent S है stoichiometric amount में, तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो एक्सेस ऑफ एस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स. तो ये एक्सेस ऑफ एस के अंदर प्रेसिपिटेट हमारा डिसॉल्व हो गया. तो यहां पे देखिए ये एक मेटल आयन है, किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसका मतलब यहां पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है. और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. सेम मेटल आयन है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है, बट डिफरेंट स्पीशीज के साथ डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहां से क्लियरली ये हमें नजर आ रहा है कि ये जो बेसिकली कोई भी मेटल आयन है, ठीक है, इसका कॉन्फिगरेशन जो है वो D7 या D8 टाइप का है, क्योंकि D7 और D8 के अंदर ही आप अरेंजमेंट करके टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर टाइप का अरेंजमेंट जनरेट कर सकते हैं. जैसे अगर सपोज हम इस अरेंजमेंट को अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे मूव करा सकते हैं. तो इसका मतलब इसमें किसी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग पॉसिबल है, और पेयरिंग पॉसिबल होने की वजह से एक ऑर्बिटल हम यहां पे वैकेंट कर सकते हैं. तो एक ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, तो ये D7 के लिए ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा. और D8 के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें ऐड कर देना है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में फर्स्ट 4 डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक टाइप का हो जाएगा. और D7 अगर होगा तो स्क्वायर प्लेनर भी पॉसिबल हो जाएगा और पैरामैग्नेटिक टाइप का रहेगा. ये D है हमारे पास में और साथ में ये S आ गया और ये P आ जाएगा. तो 3D इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट R, ये 4S और ये 4P. तो यहाँ से ये इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होकर के ये स्क्वायर प्लेनर DSP2 अरेंजमेंट जो आ गया. तो इसका मतलब है कि ये कोई एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा दे रहा है, और ये कोई एक वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं करा रहा है, तो इसलिए ये एज इट इज रहेगा. तो ये हमें एक मेटल आयन जो हमारे पास में कोई D7 या D8 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है. अब यहाँ पे हम एक और सोच सकते हैं कि D9 टाइप की भी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, बट वो एक स्पेशल केस हो गया. कॉपर 2+ के अंदर होता है, जिसके अंदर एक्साइटेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, बट नेचुरली
अगर हम देखेंगे तो ये D9 के अंदर स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो एक एक्सेप्शनल टाइप का सिनारियो है, ठीक है। वो भी हमारे दिमाग में हो सकता है कि ये D9 भी हो सकता है एज ए स्पेशल केस, ठीक है। D9 एज ए स्पेशल केस Cu2+ के लिए हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में मेटल आयन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे अगर हम चेक करेंगे कि ये Cu2+ है, अमीन कॉम्प्लेक्स के साथ अमीन लिगेंड के साथ इसको कंबाइन कर देंगे तो ये टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्लोरो के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास में सिंपल जो है यहाँ पे टेट्रा क्लोराइडो कॉपर 2 आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे D7 D8 जो कंसेप्चुअली है उसके अकॉर्डिंग है, और एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास में D9 का होता है, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन आ रही है कि यही अगर स्ट्रांग फील्ड है और यही वीक फील्ड है तो सेम ही बनता है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली कोई या तो D9 टाइप का है और ये D10 है। देखिए अगेन D9 मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि नेचुरली D9 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, तो ये वहाँ से जस्ट एक्सेप्शन वाला पार्ट वहाँ कंसिडर कर लेते हैं, अदरवाइज ये D9 या D10 टाइप का हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए। अच्छा, अब ये किसी एस रिएजेंट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है और वो एक्सेस के अंदर डिजोल्व हो जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन मेटल आयन नहीं होंगे। हम चेक कर लेते हैं कि अब ये हमसे क्या जानना चाहता है, हमें क्या ऑप्शंस देना चाहता है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो ये हमने फ्लो चार्ट बना लिया इस स्कीम का। अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस के अंदर हम देख लेते हैं क्या है, तो आंसर भी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि M1 Q एंड R रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे दिए गए हैं जिंक के लिए, निकल के लिए, कैडमियम के लिए एंड कोबाल्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे जिंक अगर हम ले लेते हैं M1 को, तो जिंक D10 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे M1 के अंदर नहीं जाएगा। निकल 2+ को अगर हम ले लेते हैं तो निकल 2+ जो होगा वो D8 होगा, और HCl के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और KCN के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो साइनो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहाँ पे हमें नजर आने लगेगा सीज के लिए, ठीक है जी। कैडमियम को अगर हम देखेंगे तो कैडमियम भी D10 ही होता है, जिंक के नीचे ही आता है, उसी ग्रुप के अंदर आता है, तो ये D10 ही होगा, तो इसके अंदर जो है सेम बनेगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि M1 जो है हमारे लिए वो बेसिकली निकल 2+ हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कॉपर 2+ अगर आप लोगे तो कॉपर 2+ का जो साइनो कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर के वो एक टेट्राहेड्रल ही बन जाएगा, तो इसलिए कॉपर 2+ साइनो के साथ तो हमें मैच करना नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी जो है रूल आउट हो गई। अगर अमीन है तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। M2 को अगर हम देखेंगे तो M2 यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उसके अंदर चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो कोबाल्ट 2+ को अगर देखेंगे तो कोबाल्ट 2+ जो है हमारे पास में ये HCl एंड KCN के साथ अगर देखते हैं तो ये भी एक हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पर जो है कोबाल्ट 2+ को अगर रिएक्ट कराते हैं तो M1, Q एंड R रेस्पेक्टिवली, तो कोबाल्ट 2+ जो है वो D7 के बेसिस पे कोबाल्ट 2+ भी हमारा यहाँ पे हो सकता है, बट बेस्ट चॉइस जो यहाँ पे नजर आ रही है हमें वो ऑप्शन बी नजर आ रहा है, कोबाल्ट 2+। अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो है कुछ साइनाइड के साथ रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोबाल्ट 2+ जो साइनो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एयर के कॉन्टेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज होकर के कोबाल्ट 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कोबाल्ट 3+ जो है वो कॉम्प्लेक्सेज में स्टेबल होता है, तो इसलिए वो साइनो कॉम्प्लेक्स के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, आई होप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहेगा। तो बेस्ट चॉइस जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो जो है बी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बी को ही हमें कंसिडर करना है यहाँ पे, आंसर दिख ही रहा है इसमें, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नाउ रिएजेंट एस क्या है ये हमें चेक करना है। तो देखिए K4FeCN6 को अगर हम लेंगे रिएजेंट एस के लिए, तो ये तो अगर हमारे पास में जिंक आयन अगर है तो सिंपल सा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, रिएजेंट एस को अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है कि ये कोई एक हमें अप्रोप्रिएट जो M1 के लिए हमने सोचा है, M2 के लिए कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा है, डायरेक्टली रिएजेंट के बारे में पूछना चाह रहा है, तो ये कोई D9 या D10 टाइप का है। तो देखिए अगर सपोज यहाँ पे कोई D9 के बेसिस पे हम ये देखते हैं K4FeCN6, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट जिंक अगर है तो वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, कॉपर अगर है तो चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर Na2HPO4 को अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा ये तो हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। क्रोमेट को अगर हम देखेंगे तो ये पोटेशियम क्रोमेट के साथ में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। KOH अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, M2 अगर हमारा ZN2+ है उसी केस में हम कह सकते हैं
कि ये जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया और एक्सेस के अंदर ये ZnOH होल 4 टू माइनस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सिचुएशन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये एक सिचुएशन है। M2 के अंदर जस्ट कोई बातचीत नहीं हो रही है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे M2 के बारे में नहीं पूछ रहा है हमसे, जस्ट एक एनालिसिस के लिए, कंपेरिजन के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर कह रहा है मैच ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन लिस्ट वन विथ एन अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट वन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और उसको लिस्ट टू के साथ हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स पी है, इस कॉम्प्लेक्स पी के अंदर एक तो क्रोमियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं फिर इसका क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। ये आंसर इसमें साथ में ही आ गया है, नो इशू। तो ये पी को अगर हम देखेंगे तो पी के अंदर जो क्रोमियम है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे और ये पैरामैग्नेटिक होगा हमारा। ठीक है, और साथ में इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए ये जो भी इस टाइप के हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एम ए फोर बी टू टाइप के, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे तो इस ये जो हमारे पास में क्यू है इस क्यू के अंदर जो टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम हमारे पास में जो है यहां पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर टाइटेनियम को अगर हम देखेंगे तो टाइटेनियम के पास जो 3d2 4s2 होता है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, तो ये भी जो है पैरामैग्नेटिक होगा। और इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं होगी, बट ये जो Cl और NO2-3 है वो एक्सचेंज हो सकते हैं, दैट इज ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ R को अगर हम चेक करते हैं तो R के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली 4 हो गया, En जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो कोऑर्डिनेशन प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, तो प्लेटिनम प्लस टू स्टेट के अंदर जो होगा और प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं स्क्वायर प्लेनर होते हैं, यहाँ पे ई एन जो है और एन एच थ्री जो है वो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया होगा कि प्लेटिनम 2 प्लस और पीडी 2 प्लस के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वो इनवेरिएबली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो DAT होता है, लाइक निकल 2 प्लस और स्क्वायर प्लेनर, D8 को स्क्वायर प्लेनर अगर बनाना है तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर जो है पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर के अंदर होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट ये एक बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, तो बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो सिस पोजिशन में ही लॉक रहेगा और इसको आप ट्रांस पोजिशन में नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पे जो Cl और NO3 है ये इंटरचेंज हो सकते हैं, सो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। S को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कोबाल्ट हमारा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और कोबाल्ट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ गया यहाँ पे और अमीन कॉम्प्लेक्स है, तो ये सॉरी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, दो और टोटल तीन नाइट्रेट आयन है, तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोबाल्ट जो है वो D6 हो जाएगा और यहाँ पर अमीन कॉम्प्लेक्सेस हैं
तो ये अमीन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से एक टाइप का स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट हो जाएगा, तो डायमैग्नेटिक हो गया ये कोबाल्ट प्लस 3 डायमैग्नेटिक। और इसके अंदर जो है अगेन ये इस टाइप का हो गया Ma4B2 टाइप का, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे एक्सपेक्टेड है। सो पी के अंदर हम कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो पैरामैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो ये 3 में नजर आ रहा है, तो पी के लिए हम 3 को कंसिडर करेंगे। क्यू के अंदर पैरामैग्नेटिक एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड पैरामैग्नेटिक एंड एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म 1 के अंदर आ रहा है, तो क्यू के लिए हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, पी के लिए 3 और क्यू के लिए 1। और आर के लिए हमने चेक किया डायमैग्नेटिक एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, डायमैग्नेटिक एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब 4 हो जाएगा। और एस के लिए डायमैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डायमैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो वो 2 के अंदर आ जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में चूज करना है, तो यहाँ पे ये कह रहा है बी होना चाहिए, तो 3, 1, 4, 2 बी है करेक्ट आ रहा है हमारा आंसर। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हमने चेक कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2015 के पेपर से है, और 2015 के पेपर के अंदर हमारे पास में ये आ गया टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3। तो N2O3 का स्ट्रक्चर बनाइए और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए जितने भी ऑक्सीजन है सभी ऑक्सीजन के पास में या तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है या ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, इसमें कुछ ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड भी रहते हैं। नाउ नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है उसके अनुसार नाइट्रोजन के पास में या तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे सस्ट हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए N2O3 के 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि एक इसके अंदर NN बॉन्ड हो सकता है और एक इसके अंदर NON बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ये एक टाइप का एनहाइड्राइड भी है। तो ये इसके 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जो है होंगे। तो एक तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास में जो है हमारे पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ अगर हम इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर अगर बना लेते हैं जिसमें एक टाइप से नाइट्रस एनहाइड्राइड की फॉर्म में इसको अगर कंसिडर करते हैं तो ये N2O3 हो गया। अब इस नाइट्रोजन के पास में भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस नाइट्रोजन के पास में भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास में 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी ये 4 हो गए, 5, 6, 7 और एक ये यहाँ पे आ गया 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर है वो 8 होना चाहिए और 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Fe3+ इन थायोसाइनाइट लिगेंड थायोसाइनेटो एस एंड इन साइनो लिगेंड एनवायरमेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन्स व्हेन अप्रोक्सीमेटेड टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। तो यहाँ पे आयरन का हमें जो है 2 कॉम्प्लेक्सेज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए थायोसाइनेटो के अंदर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो सल्फर के थ्रू हो रहा है, तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और साइनो में कोऑर्डिनेशन जो है कार्बन के थ्रू होगा या नाइट्रोजन के थ्रू, किसी के थ्रू भी अगर हम कराएंगे तो इसके अंदर जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या एनवायरमेंट है। तो ये Fe3+ है, Fe जो होता है 3D6 4S2 होता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और D5 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर रहेगा ही। ये अब जब हम यहाँ पे थायोसाइनो कॉम्प्लेक्स की तरह अगर कंसिडर करेंगे, ऑक्टाहाइड्रल यहाँ पे हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो इसमें जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे FeSCN होल 6 3-
इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 5 आ जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 5 आएंगे, और इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे म्यू स्पिन ओनली, तो ये अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू फॉर्मूले के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू जो है हमारे पास में यहाँ पे 5 है, तो ये रूट 35 आ जाएगा, रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। नाउ अब इसको अगर हम सी एन माइनस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 था, तो ये एफ ई सी एन होल 6 3 माइनस आएगा। इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का चेंज हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, तो हमारे पास में जो है दो, ये दो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो जाएंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। तो अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास में ये एक ही रह गया है, तो इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ये सिंपल सा एन की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये रूट 3 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो नियरेस्ट इंटीजर की टर्म्स में जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 5.91 टाइप कुछ हो जाएगा और ये 1.73 होता है, तो नियरेस्ट इंटीजर के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि ये 2 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है हमारा वो 4 होना चाहिए, तो ये आंसर इसका 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2015 का ही है, पेपर 1 से है। यहाँ पे इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स विच बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is minus 0.0558 degree Celsius. The number of chlorides in the coordination sphere of the complex is. तो यहाँ पे एक complex given है, freezing point of a 0.01 molal aqueous solution of cobalt third chloride ammonia complex. तो ये cobalt कुछ x नंबर ऑफ अमोनिया है, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है हमारे पास में कुछ n नंबर ऑफ Cl अगर होंगे और कुछ जो है यहाँ पे अमोनिया के लिगेंड्स हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होंगे वो 3 माइनस एन सी एल रह जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ सी एल 3 माइनस एन नंबर ऑफ लिगेंड्स रह जाएंगे। अब ये जब इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे सी ओ सी एल एन एन एस थ्री होल एक्स, ये एक कैटायनिक स्पीसीज प्रोड्यूस हो जाएगी और इसके साथ में 3 माइनस एन जो है वो सी एल माइनस स्पीसीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ये यहाँ पे इस पर प्लस में चार्ज आ जाएगा सीज के लिए यहाँ पे। तो अब इसका आई अगर हम देखेंगे तो ये यहीं से हमें पता लग रहा है कि इसका आई जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आई 3 माइनस एन प्लस 1 इसका आई हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम ले लेंगे, तो यहाँ पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हमारे पास में -0.055 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 0.0558। आई के लिए हमें सॉल्व करना है, के एफ 1.86 है और मोलैलिटी इसकी 0.01 गिवन है, तो आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं डायरेक्टली, यहीं से हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये जो है वो क्या आएगा। तो आई हमारा यहाँ पे जो है वो 3 आ रहा है, आई की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब टोटल
थ्री पार्टिकल्स हैं, तो थ्री पार्टिकल में से एक पार्टिकल तो यही होगा और दो पार्टिकल जो होंगे वो सी एल माइनस के होंगे, दो पार्टिकल जो है यहाँ पे सी एल माइनस के होंगे। तो टोटल तीन सी एल माइनस थे, दो सी एल माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो एक सी एल माइनस जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, और हमें यही फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो वन सी एल इज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और वैसे आप ये सिंप्लीफाई करके भी बता सकते हो कि क्या है, तो इसका आंसर वन आना चाहिए, ये आंसर हमारा इसका वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन 2015 का ही है, पेपर वन से। तो 2015 पेपर वन का जो क्वेश्चन है कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमियम 2 प्लस एंड मैंगनीज 3 प्लस इज एन आर, एटॉमिक नंबर्स इनके गिवन है। क्रोमियम 2 प्लस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक वेल नोन स्टेटमेंट है। क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है मोस्ट स्टेबल रहता है, और ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं कि इजीली जो क्रोमियम है हमारा 2 प्लस से प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, एक वेल नॉन रिड्यूसिंग स्पीसीज है। क्रोमियम आपको पता है 3D5 4S1 होता है, तो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से 3D4 चला जाएगा, 3D4 है, और ये 3D4 जो है वो 3D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक टाइप का स्टेबल हाफ फेल्ड अरेंजमेंट है। एक्वस फेज में नॉर्मली ये होगा, क्योंकि आयन अगर है तो आप देखेंगे तो एक्वस फेज में ही मिलेगा आपको, तो एक्वस फेज के अंदर इसको हम कह सकते हैं कि डीडी स्प्लिटिंग की वजह से ये एक हाफ फेल्ड कॉन्फिग्रेशन के अंदर रहेगा, तो इसलिए इसके अंदर स्टेबल अरेंजमेंट नजर आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। Mn3 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम सिचुएशन अगर हम देखेंगे Mn3 प्लस के लिए, तो Mn3 प्लस जो होता है वो बेसिकली Mn जो है हमारे पास में 3D5 4S2 होता है, और इसको अगर देखेंगे तो ये भी 3D4 ही है। नाउ अब अगर इसको भी अगर आप कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, नहीं, उसके अंदर तो इसका फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कंसिडर करना होगा, और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई वैल्यू होगी यहाँ पे, तो इसलिए ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn2 प्लस में कन्वर्ट होना चाहेगा। Mn2 प्लस जो होगा वो 3D5 है, दैट इज मोर स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड। एक्वस फेज में हम देखेंगे तो इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि एक्वस फेज के अंदर ये हमारा अरेंजमेंट हो गया है 1, 2, 3, 4 and 5, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये वेल नोन इंफॉर्मेशन है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी रहती है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। सो Cr2 प्लस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ट्रू। Mn3 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्रू। बोथ Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। वेन Cr2 प्लस इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, द क्रोमियम आयन अटेन्स D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, नो, क्रोमियम आयन अटेन्स D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने थे, तो ए बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो 2015 पेपर वन से है। कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दिस प्रोसेस इज आर। तो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड, नो, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज एनोड, है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम करते हैं, तो ये ए स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। एसिडिफाइड एक्वस कॉपर सल्फेट इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हम इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप को एनोड बनाते हैं, प्योर कॉपर स्ट्रिप को कैथोड बनाते हैं, और एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन को हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह। नाउ प्योर कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो एनोड जो इम्प्योर है वहाँ से कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन से फिर ये कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। इम्प्योरिटी सेटल्ड एज एनोड मड, ये भी ट्रू है, इसमें जो गोल्ड और सिल्वर की जो इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड मड की तरह सेटल्ड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शंस बी सी एंड डी करेक्ट ऑप्शंस हैं, चेक कर लेते हैं, और ये बी सी डी हमारे करेक्ट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2015 के पेपर से ही है, और यहाँ पर ये है फेरिक इज रिड्यूस्ड टू फेरस बाय यूजिंग, तो हाइड्रोजन परोक्साइड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और सिंपल सोडियम परोक्साइड्स भी यूज़ हो रहा है, तो हमें देखना है बस मीडियम का डिफरेंस है यहाँ पे, हाइड्रोजन परोक्साइड और सोडियम परोक्साइड। तो हाइड्रोजन परोक्साइड या कोई भी परोक्साइड अगर हम ले लेते हैं तो ये एक रिडॉक्स सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, रिडॉक्स सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा,
रिडॉक्स सब्सटेंस का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही हो सकता है यहाँ पे, बट फेरिक को हमें फेरस में रिड्यूस करना है, तो फेरिक को फेरस में रिड्यूस अगर करना है तो हमें एक ऐसी सिचुएशन को चूज करना है जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अब एसिडिक मीडियम में अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड थोड़ा अनस्टेबल होता है ना, इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ पे, और उससे ऑक्सीजन निकल जाएगी और ऑक्सीजन जो रिलीज होगी वो बेसिकली फेरिक को ऑक्सीडाइज ही करेगी, उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है फेरिक हाइड्रोक्साइड्स, फर्दर तो ऑक्सीडेशन उसका हो नहीं पाएगा ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो एसिडिक मीडियम हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे, एल्कलाइन मीडियम के अंदर हम इसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर सकते हैं, एल्कलाइन मीडियम के अंदर जो है हमारा फेरिक इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ले सकते हैं और Na2O2 इन वाटर ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि Na2O2 को वाटर में जब डालेंगे तो H2O2 एंड NaOH ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शंस बेसिकली सेम ही है एक टाइप से। तो एसिडिक मीडियम हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे इसको, क्योंकि उस केस में तो फिर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा ये, आगे फर्दर रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता है, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज ही रखेगा इसी के लिए। तो ये ए और बी करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है वो ए एंड बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 पेपर 1 पर बेस्ड है। यहाँ पे जो है मैच दी एनायनिक स्पीसीज गिवन इन कॉलम 1 दैट आर प्रेजेंट इन दी ओट्स गिवन इन कॉलम 2। एनायनिक स्पीसीज कुछ गिवन है और वो किसके अंदर प्रेजेंट है ये हमें चेक करना है। तो देखिए ये वेरियस टाइप के जो हमारे पास में ओट्स हैं, हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सीडेराइट को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली आयरन का जो है वो एक कार्बोनेट है। तो पी को अगर हम देखेंगे तो ये सीडेराइट है, फेरस कार्बोनेट, और क्यू को अगर हम देखेंगे तो ये मेलाचाइट है। तो मेलाचाइट जो होता है बेसिकली बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, CuOH2CuCO3 बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और आर को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली बॉक्साइड होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म होता है बॉक्साइड का। एस को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली कैलामाइन है, कैलामाइन जो है वो जिंक कार्बोनेट है। और टी जो है हमारे पास में अर्जेंटाइट है, अर्जेंटाइट जो है वो सिल्वर सल्फाइड है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बोनेट जो है आपके पास में कौन कौन से हैं। तो कार्बोनेट के अंदर जो है पी कार्बोनेट है, क्यू भी कार्बोनेट है और एस भी कार्बोनेट है। तो पी क्यू और एस जो है वो कार्बोनेट्स हैं। नाउ सेकंड हमें कह रहा है सल्फाइड्स, तो सल्फाइड तो इसके अंदर एक ही है दैट इज टी, सल्फाइड एक ही है दैट इज टी। और फिर हमारे पास में आ गया है सी जो है हाइड्रोक्साइड्स, तो हाइड्रोक्साइड्स क्यू है। और यहाँ पे जो है आर को अगर हम देखेंगे तो ये भी थोड़ा हाइड्रेटेड फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक टाइप से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ एल्यूमिनियम होगा, कुछ इसके अंदर हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है ना, और कुछ इसके अंदर बेसिकली ऑक्साइड्स होगा। ये इस टाइप से कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, थोड़ा बहुत हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के अंदर हाइड्रोक्साइड्स होंगे ही होंगे, ये हम सोच सकते हैं यहाँ पे। सो हाइड्रोक्साइड्स हमें चूज करना है, हाइड्रोक्साइड्स जो हमें दिखाई दे रहा है कहाँ गया हमारा, क्यू और आर। और डी के अंदर हमारे पास में है ऑक्साइड्स, तो ये ऑक्साइड्स को अगर हम देखेंगे तो ऑक्साइड्स बेसिकली यहाँ पे आर के अंदर ऑक्साइड्स भी है और तो कहीं ऑक्साइड्स है नहीं। तो बेसिकली ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का एक मिक्सचर है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का एक मिक्सचर है। तो ये मेरे हिसाब से इसमें कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या कह रहा है हमारा। तो आंसर ये कह रहा है कि ये ए मैचेस टू पी क्यू एंड एस, तो ए मैचेस टू पी क्यू एंड एस ये करेक्ट है। एंड बी मैचेस टू टी, तो बी मैचेस टू टी ये भी हमारा करेक्ट है। सी मैचेस टू क्यू एंड आर, सी मैचेस टू क्यू एंड आर ये भी हमारा करेक्ट है। एंड डी मैचेस टू आर, डी मैचेस टू आर ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये 2015 का पेपर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। नाउ इन द कॉम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमाइडो डाइकार्बोनिल बिस ट्राई इथाइल फॉस्फीन आयरन 2 द नंबर ऑफ आयरन कार्बन बॉन्ड्स। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगे कि नंबर ऑफ आयरन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो एसिटाइल ग्रुप है,
और ब्रोमाइडो Br- माइनस है, डाइकार्बोनिल का मतलब CO है और ट्राई इथाइल फॉस्फीन है। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो है तीन ही ग्रुप जो है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक तो एसिटाइल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है और एक CO कार्बन कंटेनिंग है। तो ये तीनों ही बेसिकली आयरन से ही बॉन्डेड होंगे, क्योंकि एसिटाइल को अगर आप देखोगे तो एसिटाइल में कार्बन है ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कार्बन से ही कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये जो है हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इसके अंदर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर कह रहा है तो ये हमारे पास में बिस ट्राई इथाइल फॉस्फीन, तो ये ट्राई इथाइल फॉस्फीन को हमने यहाँ पे लगा दिया PET3 और ये PET3। फिर हमारे पास में है यहाँ पे डाई कार्बोनिल, तो ये मैंने यहाँ पे दो CO ग्रुप प्लेस्ड कर दिया, डाई कार्बोनिल हो गया और एसिटाइल ब्रोमाइडो, तो ये मैंने यहाँ पे Br लगा दिया। अब देखिए एसिटाइल ग्रुप जो है हमारे पास में वो ये वाला ग्रुप होगा एसिटाइल ग्रुप। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से तो ये कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली यहाँ पे इस कार्बन के पास में जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कोऑर्डिनेटेड रहेंगे और ये कार्बन जो है इससे आयरन से बॉन्डेड रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ये इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। इस ऑप्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे तो ये आयरन की जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट हो गई, कार्बन की बॉन्डिंग वैलेंसी के हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब हमें काउंट करना है आयरन कार्बन बॉन्ड्स। तो देखिए एक तो ये आयरन कार्बन बॉन्ड है हमारा, दूसरा ये आयरन कार्बन बॉन्ड है और तीसरा ये जो है वो आयरन कार्बन बॉन्ड है। सिंपल है इसमें, और तो क्या ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे। अब यहां पे जो है चार्ज हमें दे रखा है, आयरन टू दे रखा है यहां पे, आयरन टू दे रखा है यहां पे, तो ये एक आयन भी हो सकता है यहां पे और न्यूट्रल भी हो सकता है यहां पे। तो यहां पे Br के लिए -1 होगा, तो ये आयरन +2 स्टेट में अगर है तो इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पे कुछ न कुछ चार्ज हो सकता है, +1 चार्ज हो सकता है इसके अंदर यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तो हम यही बताएंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास में जो है तीन आयरन कार्बन बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर भी 3 कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, अमंग द कॉम्प्लेक्स आयन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन दैट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन दैट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फाइंड आउट करना है। तो ये हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन इन कॉम्प्लेक्सेस को कि कौन सा क्या शो कर रहा है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा कौन सा शो नहीं करेगा। तो ये जो सबसे पहला हमारे पास में है CO, ठीक है, और इसके अंदर जो है दो बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं और दो मोनोडेंटेड लगे हुए हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे पास में 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम इसको CONH2, ये इथाइलिन डाई अमीन है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लेता हूँ 2, और Cl2 प्लस, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। सेकेंड वाले को अगर हम देखेंगे तो ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है, Cr C2O4 होल ट्वाइस Cl2, तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। और नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में Fe H2O4 एंड OH होल ट्वाइस +1, इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा क्योंकि ये सारे जो है हम कह सकते हैं कि MA4B2 टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये या तो यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है और या फिर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे बाइडेंटेड हो गया, बाइडेंटेड हो गया और ये मोनोडेंटेड हो गया। सिमिलरली Fe NH3 होल ट्वाइस, ये भी उसी टाइप का है, तो यहाँ पे इसको मैं इसी ऑर्डर में लिख लेता हूँ FeCN होल 4 और NH3 होल ट्वाइस, तो ये हमारे पास में -1 आ गया, इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये भी इसी टाइप का ही है CO EN होल ट्वाइस,
NH3Cl, तो अगर कोई इस टाइप का है MA4VC, तो इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। और अगला अगर हम देखते हैं CONH3Hol4H2O, Cl इसके अंदर अगर है तो इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो ये तो यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। सो ऑल दीज 6 कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो इसका आंसर 6 होना चाहिए और ये इसका आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 पेपर 2 से ही है और ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 इज आर। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देता हूँ, आप फिर चेक कर सकते हो कि क्या होगा। और इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इजी है, यहाँ पे जैसे ये आपको HOCl का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और फिर इसके अंदर क्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी होता है स्ट्रक्चर बनाना, बट ये इस सेशन में मैं नहीं सिखा सकता आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बहुत इजी तरीका होता है स्ट्रक्चर बनाना, नो नीड टू लर्न इट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर कह रहा है द नंबर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स इन 2 एंड 3 टुगेदर इज 2। तो ये हमारे पास में फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो कह रहा है नंबर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। तो सेकेंड और थर्ड में तो टोटल 3 डबल बॉन्ड है, तो ये ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन इन 2 एंड 3 टुगेदर इज 3। तो क्लोरीन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रक्चर 2 में 2 है और स्ट्रक्चर 3 में 1 है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑन क्लोरीन इन 2 एंड 3 टुगेदर इज 3, तो ये 3 हो गए, तो बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन 4th इज sp3, ये 4 साइड से बॉन्डेड है, टेट्राहेड्रल टाइप का हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सी इसके अंदर करेक्ट है। अमंग्स 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1, नहीं। अब ये जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, इन ऑक्सो एसिड्स के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ओ कंसिडर करने होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडिश जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ओ बढ़ते जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ओ ऑन सेंट्रल एटम। तो इसके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग दीज 4, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इस कैटेगरी का आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो बी एंड सी होना चाहिए, ये बी और सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, ये 2015 पेपर 2 से है, द पेयर ऑफ आयंस वेयर बोथ द आयंस आर प्रेसिपिटेटेड अपॉन पासिंग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, एसिडिक मीडियम में H2S गैस पास कर रहे हो, दोनों आयंस जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाने, तो इसका मतलब दोनों के दोनों जो है वो सॉल्ट एनालिसिस का जो सेकेंड ग्रुप है उसके मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए को अगर हम देखेंगे तो कोई भी सेकेंड ग्रुप का नहीं है, एक जो है हमारा फिफ्थ ग्रुप का और दूसरा जो है फोर्थ ग्रुप का है, तो ये तो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। बी के अंदर अगर हम देखेंगे, बोथ दी आयंस आर प्रेसिपिटेट अपॉन पासिंग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो बिस्मत तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा लेकिन फेरिक प्रेसिपिटेट नहीं होगा। H2S गैस इवन फैक्ट हम पास करेंगे तो फेरिक तो रिड्यूस हो जाएगा फेरस के अंदर, आयरन फेरस प्लस 2 स्टेट में जो होगा वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा H2S के साथ। सी के अंदर देखिए, दोनों कॉपर और लेड सेकेंड ग्रुप के मेंबर हैं, ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। डी के अंदर भी दोनों ही सेकेंड ग्रुप के मेंबर है, ये भी इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो हमारा सी और डी दोनों होने चाहिए, और सी और डी दोनों इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 2016 पेपर 1 से, और क्वेश्चन ये कह रहा है अमंग दीज स्पीसीज द टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशंस हो गई, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं और सिंपल हमारे पास में जो ऑक्साइड्स हैं वो भी है हमारे पास में। तो हम ऑक्साइड्स के बारे में तो जानते ही हैं, यहाँ पे सिंपल सा कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको देखना है कि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है।
तो यहाँ पे हमें हम देख लेते हैं कि NiCO होल फोर के अंदर निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये 3D8 4S2 हो गया और CO स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है निकल के वैलेंस शेल के अंदर 3D8 4S2 वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड की प्रेजेंस में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले 5D ऑर्बिटल में रीअरेंज हो जाएंगे, तो सब पेयर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए ये हमारा NiCO होल फोर तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। NiCl4 2- के अंदर निकल प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये 3D8 हो गया और Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है 5 ऑर्बिटल के अंदर अरेंज्ड रहेंगे और इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, तो NiCl4 2- जो है वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कोबाल्ट होगा वो D6 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो और NH3 है, अमाइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी और ये जो है हमारा एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। सेम ही अगेन कोबाल्ट हमारे पास में प्लस 6 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये D3 होगा और यहाँ पे ये फ्लोराइडो लिगेंड है, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड, तो इसके अंदर ये पैरामैग्नेटिक टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट सोडियम परऑक्साइड है, डायमैग्नेटिक होगा और अगला सीजियम सुपरऑक्साइड है, सीजियम सुपरऑक्साइड, तो सुपरऑक्साइड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है वो पैरामैग्नेटिक होती है, तो यहाँ पे हमारे पास में NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, देन Na3CO F6 जो है ये पैरामैग्नेटिक है और CSO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, तो टोटल 3 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज यहाँ पर नजर आ रही है, तो ऑप्शन बी के अंदर है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएजेंट्स दैट कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट इन एक्वा सॉल्यूशन, सल्फाइड और सल्फेट का हमारे पास में एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर हमें कोई रिएजेंट ऐड करके सेलेक्टिवली सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करना है, तो सेलेक्टिवली सल्फाइड को अगर हमें प्रेसिपिटेट करना है तो देखिए CuCl2 अगर हम ऐड करेंगे तो क्यूप्रस सल्फाइड तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्यूप्रस सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और कॉपर सल्फेट जो होता है वो सोल्यूबल होता है, तो ए हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ बी को अगर हम देखेंगे तो दोनों यहाँ पे सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होगा, बेरियम का सल्फाइड सोल्यूबल होगा बट बेरियम का सल्फेट जो है वो इनसोल्यूबल होगा, बी के अंदर सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा जबकि सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड हमें कंसिडर करना है। सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो PbS प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये लेड एसिटेट है, लेड एसिटेट के अंदर लेड सल्फेट सोल्यूबल होता है, लेड सल्फेट भी इनसोल्यूबल होता है लेकिन लेड एसिटेट से लेड सल्फेट आप बनाएंगे तो वो उसके अंदर सोल्यूबल रहेगा, ठीक है ना, तो इसलिए सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो कंप्लीटली जो है सल्फाइड तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा बट थोड़ा बहुत सल्फेट भी प्रेसिपिटेट होगा बट वो जो सल्फेट होगा वो लेड एसिटेट के अंदर सोल्यूबल ही रहेगा, तो सी भी एक कैंडिडेट है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है कि सी को हम कंसिडर करें या नहीं करें, चांसेस है लेड, देखिए दो सल्फेट जो होते हैं हाईली इनसॉल्यूबल होते हैं, एक बेरियम सल्फेट होता है और दूसरा लेड सल्फेट होता है, बट लेड सल्फेट जो है वो स्लाइटली सॉल्यूबल होता है लेड एसिटेट के अंदर और इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लेड एसिटेट ही यूज कर रहे हैं, तो सी मे और मे नॉट बी टाइप वाली सिचुएशन है। और डी ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये तो हमारा जो है वो सल्फाइड आयन का जो केमिकल टेस्ट हम करते हैं उस टाइप का हो जाएगा, तो इसमें मेरे हिसाब से ए तो परफेक्ट है ये और ए के साथ साथ मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप का क्वेश्चन हमें दिख रहा है तो ए के साथ साथ हम सी को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मोर एक्यूरेट जो है वो ए है, तो आप ऑफिशियली देख लेते हैं आंसर क्या, ए और ए एंड सी ये इसके ऑफिशियल आंसर्स है। तो ये हमने 2016 का पेपर 1 का एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर वॉच करिए। थैंक यू वेरी मच।